जानवी, आपकी नजर में बापू क्या है? चिंतक है, विचारक है, कर्मयोगी है, या फिर आजादी के लिए कुशल रणनीतिकार है? मेरे हिसाब से गांधी नई एज के सुपर हीरो हैं, जिनको हमने एक लेजेंड बना दिया है, पर असल में यही सुपर हीरो हैं, बैटमैन है, सुपरमैन है, यही है सब। यही थे जिन्होंने हमें फ्रीडम दिया, क्या करके, लाठी, चश्मा, खड़ाऊ और एक धोती पहन के। आप बताइए आज की तारीख में कौन ऐसा जीवित आदमी है एक, जो ये कर सकता था? एक ब्रिगेड ऐसी भी है जो एंटी बापू चलती है आज की तारीख में। बुरा है तो अच्छा भी है ना, तो हाँ, ये तो चलेगा ही। पर वो लोग तो हमेशा आपकी किताब की आलोचना करेंगे कि अब ये क्या आ गया गांधी को, जो जितनी आलोचना हो किताब उतनी बिकनी चाहिए। नहीं, पढ़ लेगी तो नहीं करेंगे आई एम श्योर। देखिए गांधी, ऑन अ सीरियस नोट, गांधी ऐसे मेरे हिसाब से ऐसे व्यक्ति हैं कि कल को कोई थिएटर प्ले हो उनके ऊपर या कोई फंक्शन हो उनके ऊपर, मुझे नहीं लगता कि गांधी इवोक्स टेंशन और वायलेंस कंपेयर टू अदर लीडर्स इन टर्म्स ऑफ कंट्रोवर्सी, कोटिंग कंट्रोवर्सी, जैसे अंबेडकर हुए, सरवाकर हुए, कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी लगी रहती। पर गांधी का के ऊपर अगर कोई मास कोई फंक्शन वगैरह होता है तो ही इज अ सेक्युलर फिगर। आई डोंट थिंक सो पीपल आर अग्रेसिव अबाउट गांधी, एंड आई थिंक दैट्स द वंडर ऑफ द मैन। आज तक चर्चा हो रही है गांधी की, हमारे टाइम तक। अब प्रधानमंत्री जी ने भी अपने कंधे पे गांधी को बैठा लिया है। अब आप देखिए क्यों बैठाया, कुछ तो होगा ना उनमें, कुछ तो रीजन है कि आज तक गांधी जी के स्तूपे वर्ल्ड ओवर तक बन रहे हैं। कुछ तो रीजन होगा कि 5 बार उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए नियुक्त किया गया, कुछ तो होगा ना उनमें। तो ये जो किताब है, मेरे ख्याल से बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, ये जो आप वैल्यूज की बात कर रहे हैं, ये उन वैल्यूज का आई वुड से मार्गदर्शन है। ये किताब यही बताती है कि आपको जितनी गलतियां करनी है जिंदगी में कीजिए, हर चीज को चखिए परखिए, पर अपना मार्क निकालिए। जब तक हर चीज बैलेंस में है तो सब सही है। बहुत मुश्किल है ये करना, इट्स लाइक अ आइडियल वर्ल्ड आई एम टॉकिंग अबाउट, पर गांधी से प्रेरणा लीजिए ना, क्या क्या नहीं हुआ इनके साथ, कितनी मार खाई इन्होंने, कितने धक्के खाए इन्होंने, फिर भी उभर के ऊपर आए ना। ये तो अपनी क्लास में मुंह तक खोल नहीं सकते थे, फेंट हो गए एक नहीं दफा, 4-5 दफा फेंट हो गए, एक दफा कोर्ट में अपने फर्स्ट केस में फेंट हो गए। तो इतना मतलब आदमी ऐसा था कि जिसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं था, बताइए। एंड ही इज द फादर ऑफ आवर नेशन, हाउ? सो वी मस्ट टेक इंस्पिरेशन दैट नन ऑफ अस आर परफेक्ट एट द एंड ऑफ द डे, सो दैट शुडंट बी अ सेंस, देयर शुडंट बी अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी और फियर और एनीथिंग। वेयर एवर यू आर, बी योरसेल्फ, छोटा हो बड़ा हो, बस दबंग रहो, दैट्स इट।